हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं एसएससी क्रैकर्स कोर्स मटेरियल के बारे में पूरी तरीके से पूरा डिटेल मैनर में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, ठीक है। तो ये जो लोग नए हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग ऑलरेडी मेरे मटेरियल को ले चुके हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि उनका जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। फिलहाल इस वीडियो में मेरा टारगेट है कि आप लोग को अच्छे तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं इस मटेरियल के बारे में, ताकि आप लोग जो जीमेल पे पूछते रहते हैं मेरे से कि इस मटेरियल के बारे में मुझे कुछ जानना है, तो मैं इसीलिए इस पर्पस से ये वीडियो बनाया हूं, ताकि जब भी कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछे कि इस मटेरियल के बारे में मुझे जानना है आप बताओ, तो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई करके ये जवाब दे सकूं। तो ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप यहाँ पर जाएं मेरे प्लेलिस्ट में और वहां पर जाकर आप देख सकें कि इस मटेरियल में क्या क्या कंटेंट है और किस तरीके से ये आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर लाने में आपकी मदद करेगा। 160 मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि जो लोग इस मटेरियल को परचेज करके और इस पे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो उनका टीयर वन में 160 प्लस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं रीजन बता दूं कि इस मटेरियल को बनाने के पीछे मेरा मकसद क्या था और मैं किस टाइम का वेट कर रहा था, जब एक सही समय आएगा तो मैं आप लोगों को ये चीज प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले तो पहला रीजन था मेरा सेव टाइम, क्योंकि स्टूडेंट के पास क्या होता है कि देखिए स्टूडेंट आज के डेट में क्या ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कभी वो इस चीज को फॉलो करते हैं, इस चीज को फॉलो करते हैं, इस चीज को फॉलो करते हैं, तो इस तरीके से वो उनको समझ में नहीं आता है कि लास्टली जो है किस तरीके से फॉलो करें। देखिए एक चीज को 10 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है ना कि 10 चीज को एक बार पढ़ना, ठीक है। तो ये मटेरियल कुछ ऐसा ही है कि ये एक ही मटेरियल काफी है, इसको अगर आप 10 बार पढ़ लेते हैं तो आपका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक्स पे ध्यान दिया है, ठीक है। और साथ में मैंने जो है इस जो मेरा जो मटेरियल है उसमें मैंने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट चीज को मैंने इसमें डाला है, ताकि रेलेवेंट चीज को अगर पढ़ाई किया जाए, क्योंकि आपको देखिए 200 मार्क्स होते हैं एग्जाम, आप भी जानते हैं कि 160 मार्क्स अगर आपका आ जाएगा तो वो बहुत अच्छा स्कोर है। तो मैंने इन 40 पे भी वर्क किया है, लेकिन ज्यादा मेरा ध्यान इस 160 पे था कि 160 कैसे लाया जाए। ये 40 मार्क्स अगर आपको नहीं भी आते हैं तब भी आपका सिलेक्शन है, और अगर 40 आते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो इन 40 पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया, 160 पे ज्यादा फोकस किया, और 40 मार्क्स में से जो है आपको 10 टू 15 मार्क्स आप इतना लेवल आपका बढ़ ही जाएगा कि इसमें भी आप 10 से 15 मार्क्स उठा सकते हैं। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, इसीलिए मेरा काम था कि मैं आपके टाइम को बचाऊं, एक ऐसा मेरे प्रोवाइड करवाऊं आपको ताकि आपको आपका समय बचे, ताकि आप उस टाइम को लेकर मॉक टेस्ट में जो है आप टाइम यूज कर सके, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। एक प्रॉपर नोट्स, एक ऐसा नोट्स मैं आप लोगों को दूं कि उस नोट्स को आप हर दिन 2 से 3 घंटा जो है रिवीजन के तौर पर आप इस्तेमाल कर सके, ठीक है। जो नोट्स आप बनाते हैं आपको उसमें टाइम लगता है, वो टाइम जो है मैंने आपका सेव करवा दिया है, ठीक है। इसीलिए मैंने एकदम प्रॉपर नोट्स बनाया, वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, सब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस विद रेलेवेंट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया कि एक रेलेवेंट क्वेश्चन आपके पास हो और उस पर रेगुलर प्रैक्टिस हो आपका, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कोई भी चीज बताता हूं इस चैनल पे तो उसके पीछे रीजन होता है, खुद का प्रैक्टिस होता है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। मैं लोगों से हमेशा एक्सपीरियंस पूछता रहता हूं, तो उस एक्सपीरियंस के बलबूते मैं बोल सकता हूं कि इसमें जितने भी हैं उसमें रेलेवेंट क्वेश्चन है और उस पर रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो ये इक्वल टू मॉक टेस्ट के बराबर है। अगर इसी जितने भी क्वेश्चन दिए गए उसी का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक समझ लीजिए कि मॉक टेस्ट ही आप दे रहे हैं। उसके बाद रिवीजन में आपको बहुत हेल्पफुल करे, जब एग्जाम में 15 से 20 दिन बाकी हो उस टाइम में ये नोट्स आपको इतने यूजफुल होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज भी एकदम रिवीजन के तौर पर दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो बात करें कि इंग्लिश मटेरियल के बारे में, कि इंग्लिश मटेरियल में मैंने क्या क्या कंटेंट डाला है, ठीक है। इंग्लिश मटेरियल में मैंने वोकैब सेक्शन और ग्रामर सेक्शन, ये दोनों सेक्शन इतने अच्छी तरीके से कवर किया है कि एक क्वेश्चन ना आपका टीयर वन में जाएगा और न ही एक क्वेश्चन आपका टीयर टू में जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जितने बुक अवेलेबल हैं किसी भी पब्लिकेशन के, वो सारे बुक के इतने इंपॉर्टेंट जो है आपको वन वर्ड इडियम साइनो एंटो ग्रामर के रूल्स सब इस मटेरियल में सिंगल एक मटेरियल में आपके पास अवेलेबल है, ठीक है।
जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के रूल्स हो गए वो सब कुछ आपको इस मटेरियल में अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के जितने भी वोकैब सेक्शन है वो इस मटेरियल में अवेलेबल है, ठीक है। इस मटेरियल में इतना आप समझ सकते हैं कि अगर 500 क्वेश्चन है तो ये इक्वल टू 2000 क्वेश्चन में से छांटा हुआ 500 क्वेश्चन है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये होने वाला है आपका, ठीक है। मेरा टारगेट है कि आपको टीयर वन में 40 मार्क्स और टीयर टू में 60 मार्क्स, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इंटू फाइव करेंगे तो 200 मार्क्स होते हैं और इंटू फाइव करेंगे, ठीक है, तो 200 मार्क्स में से जो है आपको कम से कम जो है आपको 160 मार्क्स टीयर टू में आ जाए, ठीक है। अब इसका डेमो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर मैंने प्रीवियस ईयर से लिया हुआ सारा इंपॉर्टेंट जो है आपको वर्ड मीनिंग यहां पर डाला है, सिनोनिम्स जितने भी दिए हैं सब कुछ, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो, ठीक है। हर चीज कवर है इसमें, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है ये मैंने पूरे कवर कराए हैं इस वीडियो में, इस नोट्स में आपको सब कुछ देख लीजिए ये आपको मिल जाएंगे। तो इसको अगर आप सिर्फ पढ़ लेते हैं आप समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर का पूरा आप जो है एंटोसाइनो आप कवर कर चुके हैं। बात आती है वर्ड वन वर्ड की, तो मैंने खुद सोचिए मैंने इस चीज को लिखने में कितने टाइम लगाए होंगे, आप समझ सकते हैं कि इसमें मैंने क्या किया कि जितने भी मार्केट के जितने भी पब्लिकेशन के बुक हैं उन सारे के इंपॉर्टेंट जो है विद प्रीवियस ईयर मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है, ठीक है। ईडियम्स हो, वन वर्ड हो, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन से, चाहे वो केडी की बुक हो, चाहे वो स्पार्क की बुक हो, चाहे वो टीयर टू की कोई भी मॉक टेस्ट हो, उन सभी से प्रीवियस ईयर हो, एमबी हो, सारे बुक से मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो इसमें जो आपका टाइम जो बचेगा इस नोट्स को बनाने में वो चीज मैंने यहाँ पर खुद आपके लिए लिखा है, ठीक है। तो ये सब चीज है, और मैंने अपने बहुत जो लोग अभी इस वक्त जॉब कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे थे उनके कुछ वन वर्ड थे, नोट्स थे, उनको भी मैंने इसमें अपने हिसाब से फेयर करके आप लोगों के लिए डाल दिया है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। फिर यहाँ पर वोकैबुलरी सेक्शन के मैंने पीडीएफ भी डाले हैं, यहाँ पर हर चीज को कैटेगराइज वाइज आपको डाल दिया है यहाँ पर, ताकि आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं हो, ठीक है। और ये ऐसे हैं कि अगर आप सब कुछ याद कर लेते तो एक क्वेश्चन आपका नहीं छूट सकता है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब को मैंने कवर किया है, ठीक है, मतलब समझ लीजिए जो चीज भी मैंने आपको, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि जो चीज भी मैंने यहाँ पे बताया है आपको वो सब कुछ आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। मैंने वहां पर इडियम्स, ठीक है, इडियम्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, वन वर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको साइनो हो गए, एंटो हो गए, ये सब कुछ यहाँ पे, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशनल चार्ट, ये सारे चीज आपको वोकैब सेक्शन में मिल जाएंगे। ग्रामर सेक्शन में मैंने क्या कवर किया वो आपको बता दे। देखिए ग्रामर सेक्शन में तो समझ लीजिए कि इससे अच्छा आपको नोट्स कहीं मिल नहीं सकता है, ठीक है। इसमें पूरा जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हुए, आर्टिकल दिए हुए, इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने खुद से लिखा है, ठीक है, ये सारे चीज को, ताकि सिर्फ इंपॉर्टेंट ही चीज है कि जितने भी आपको कॉमन एरर का क्वेश्चन बनाते हैं एक क्वेश्चन भी आपका दिक्कत नहीं होगा इसको बनाने में, इसको पढ़ लेने के बाद, ठीक है। सब कुछ हर चीज आपको यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से आपको जो है, जैसे दौ के साथ येट का प्रयोग करें बट का नहीं, मतलब इस तरीके से, अब इसको पढ़ लिए, अब आपको क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, तुरंत आप इस चीज को बना सकते हैं। एक्टिव पैसिव हो गया, एक्टिव पैसिव के भी कंप्लीट नोट्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है। कम से कम 5 बुक को सामने रखकर और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज मैंने यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर दिया है। ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से कहीं भी आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रामर सेक्शन में मैंने एक्टिव पैसिव को, ठीक है, एक्टिव पैसिव, नरेशन हो गए, रूल्स इतने दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने एक आपको खुद से लिखकर पूरा इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपके साथ लिखा है, उसके बाद फिर से जितने भी प्रीवियस ईयर के रूल्स हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। मतलब ऐसा है कि ये पूरे ग्रामर के पैकेज को अगर आप लेते हैं तो हर चीज आपका, एक एक रूल, एक भी क्वेश्चन टीयर टू लेवल तक का भी आपका नहीं छूट सकता है। तो इसीलिए ये चीज मैंने आपको डेमो दिखा दिया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या इसमें मिल जाएगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं, और इसका प्राइस जो है वो आपको 400 है, ठीक है, वोकैब और ग्रामर सेक्शन दोनों का 400 रुपीज है। अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स के मटेरियल के बारे में। अब मैथ्स का मटेरियल तो मैंने इतने अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए कवर किया है कि देखिए इसमें एडवांस मैथ्स और अरिथमेटिक मैथ्स दोनों कवर है। साथ में आपको क्या मिलेंगे, फॉर्मूला, इतने फॉर्मूला एडवांस मैथ्स के हैं कि मैं एकदम 100% श्योर हूं कि ऑल ओवर इंडिया किसी एक सिंगल बुक में आपको ये पूरा फॉर्मूला नहीं मिल सकता है। इतने थ्योरम आपको नहीं मिल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बुक में, कहीं ना कहीं स्किप हो ही जाना है, चाहे वो कोई भी मास्टर हो, कोई भी टीचर हो जो आपको पढ़ाए,
एक सिंगल बुक में फॉर्मूला एंड थ्योरम आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना मैंने आपको प्रोवाइड किया है इसमें, ठीक है। और थ्योरम जो है वो इंग्लिश में है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इसको अगर आप पूरे अच्छी तरीके से रिवाइज करते हैं तो एक भी थ्योरम और कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटने वाला है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो, अलजेब्रा का हो, मैक्सिमा मिनिमा हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, ठीक है। ये सारे चीज जो है आपको इस फॉर्मूला थ्योरम के बुक में है, तो आपको बहुत प्रॉपर तरीके के नोट्स में दिए हुए हैं। साथ में मैंने 500 प्लस टीयर टू के एडवांस लेवल क्वेश्चन डाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर मेरा जो है प्रिपरेशन हो चुका है बहुत अच्छा खासा मैथ्स का, मुझे अब ऐसा क्वेश्चन चाहिए जो कि उस पर प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा लगे कि हाँ मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मतलब इसमें जो 500 क्वेश्चन है, ये 500 क्वेश्चन अराउंड 2000 मैथ्स के क्वेश्चन में से लिया गया 500 क्वेश्चन है, जिसका लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको कैट लेवल का है, जो 2017 के एग्जाम में आपको आए थे उस लेवल का क्वेश्चन को मैंने यहां पर आपके लिए सिलेक्ट करके आपको मैं यहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूं कि अगर इस पे कोई बच्चा प्रैक्टिस कर लेता है तो एक भी क्वेश्चन अगर टीयर टू का जिस तरीके का क्वेश्चन आया था सीजीएल में 2017 में, उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन मैंने यहां पर उनके लिए प्रोवाइड करवाया। तो इस पे अगर कोई बच्चा अगर प्रैक्टिस कर लेता है सिर्फ और सिर्फ यही 500 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको बताया समय कम है, मैं आपको रेलिवेंट चीज केवल और केवल पढ़वाना चाहता हूं, रिवाइज करवाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने बताया कि 2000 क्वेश्चन में से 500 लिया गया प्लस क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करवाएगा, ठीक है। तो आपका टीयर टू लेवल तक का मैथ, और मैं एक दावा के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चा इन 500 क्वेश्चन को बना लिया, ठीक है, वो इस बार टीयर टू के एग्जाम में 180 प्लस स्कोर करेगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। और ये मैं आपके सामने बहुत जल्द ये आपको मार्क्स शेयर भी करूंगा उन स्टूडेंट का जो लोग इस मटेरियल को परचेज करके और वो मार्क्स लेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग जो भी लोग मटेरियल लिए हैं उनका कहना है कि वो लोग मेहनत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, बस आप कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने 750 प्लस क्वेश्चन है जिनको मैंने 50 मॉक टेस्ट के रूप में दिया है, वो जो है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और अदर पब्लिकेशन के बुक से लिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी हर टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि आप परसेंटेज देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस देख रहे हैं, तो इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन निकल के आते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है विद सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन सभी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। उसके बाद 300 प्लस क्वेश्चन न्यू पैटर्न क्वेश्चन है जो कि 2012 से लेकर 2017 तक एग्जाम में आपके जो भी नए क्वेश्चन आए वो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको अवेलेबल है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ट्रिगो, नंबर सिस्टम का जो है टाइप, आपको ज्योमेट्री, ये सभी आपको टाइप वाइज दिए हुए हैं, ठीक है। ये मतलब इस पे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, जितने भी नए जो भी टाइप के क्वेश्चन है वो सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद 2017 के 40 सेट है आपको टीयर वन के, और 2017 में 5 सेट है आपको टीयर टू के, ठीक है। तो इतने कुछ आपको मिलने जा रहे हैं मैथ्स में। तो ये सोचिए कि अगर आप इतने चीज पे अगर आप कर लेते हैं इन 3 महीनों में, तो सोचिए कि आप कहीं से भी आपको टीयर वन में सोचने की तो बात ही नहीं है कि आपको 45 से नीचे आ रहा है, और टीयर टू में आपको 170-180 से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा डेमो देख लेते हैं। ये देखिए, ये 500 प्लस जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ये सभी आपको पूरे एकदम अच्छे तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हर तरह का क्वेश्चन, मतलब एक भी आपको इसमें सब कुछ एकदम लेवल का क्वेश्चन है कि जो बच्चा का प्रिपरेशन मैथ्स में 70-80% हो चुका है, जो लोग वो 750 क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट मैंने दिए उनको बना चुके हैं, तो उसके बाद इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। इसमें विद सॉल्यूशन दिया हुआ है, बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है बहुत अच्छे तरीके से, और ये इतने क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपको मैथ्स के लिए, ठीक है। तो ये मोर देन सफिशियंट है प्रैक्टिस के लिए, मोर देन सफिशियंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन थे वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन सारे कुछ यहाँ पर मैंने खुद से बनाया है, ठीक है, फेयर करके बनाया है, ठीक है। जितने भी न्यू क्वेश्चन थे आपको सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है विद सॉल्यूशन। उसके बाद देख सकते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस का मैंने चैप्टर वाइज बना दिया है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन दिए हुए टाइम एंड डिस्टेंस के, वो सारे टाइप के क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, जिससे आपको इस चैप्टर पर कवर। और ये चैप्टर बनाने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस ऐसा चैप्टर है कि एग्जाम में स्टूडेंट कभी कभी गलती कर देते हैं, उनको मार्क्स नहीं आ पाता है, ठीक है। तो मुझे जहां से लगेगा कि आपको जो है कहीं से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मैं उस पर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और ये अंत नहीं, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आपको इतना ही चीज मिलने जा रहा है, आपको टाइम टू टाइम जो मुझ पे भरोसा करते हैं, मैं उस विश्वास को कभी तोड़ने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है।
उसके बाद देखिए ये जो 100 इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, जितने भी आपके मॉक टेस्ट देते हैं उसमें आपको ये सब फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, कि सिर्फ आप इसको याद कर लिए तो आपको मॉक टेस्ट में जितने भी आप क्वेश्चन बनाते हैं कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए थ्योरम के जो, जैसा कि मैंने बताया कि एक ही जगह पे इतना सब कुछ आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम सिक्वेंस नोट्स के साथ, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ, चाहे वो ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, मैक्सिमम मिनिमा हो, सब कुछ यहाँ पर आपको मौजूद है। ठीक है, बस आपको सब कुछ नोट तैयार है अच्छे अच्छे राइटिंग के साथ, तो आपको सिर्फ इसको याद करना और प्रैक्टिस करना है। तो ये कुछ सैंपल थे, सिर्फ इतना ही। ठीक है, मैंने कुछ थोड़ा ही सा दिखाया आपको क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ 2017 के 40 सेट्स से ये हो गए आपको, 100 इंपॉर्टेंट हो गए, फॉर्मूला थ्योरम हो गए, ये आप 750 हो गए, 500 क्वेश्चन हो गए, तो ये सब कुछ इतना मोर देन सफिशियंट है, सच बता रहे हैं, मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। इसका प्राइस ओनली 300 है। ठीक है, ओनली 300 है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जीके एंड करंट अफेयर्स के मटेरियल के बारे में। ठीक है, इसका भी मेरा टारगेट है कि जो ये मटेरियल को परचेज किए और इस पर विश्वास के तौर पे अगर पढ़ाई करते हैं तो उनका टीयर वन में 35 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा, एकदम आप 100% श्योर रहिए, क्योंकि मैं उनको लास्ट तक इतना मटेरियल दे ही दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये जो एक बार परचेज करें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में, मैं जो है अब सब कुछ प्रोवाइड करते रहेंगे, तो इतना दे ही देंगे कि उनको इतना नंबर आना ही है। इसमें मैंने क्या किया है कि 1000 प्लस जीके का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो लेटेस्ट पैटर्न में जो क्वेश्चन जितने भी अभी नए हाल फिलहाल में 2 साल में एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, वो सारे क्वेश्चन को उठाकर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो स्टूडेंट को अगर एक जगह पर ये सब चीज मिल जाएंगे, उस क्वेश्चन को बना के उसके बाद फिर उसको अच्छे से याद करके प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एक क्वेश्चन जानते हैं जीके में रिपीट होता है, तो यहां से मार्क्स उठा सकते हैं। 1000 प्लस क्वेश्चन, सेक्शन वाइज क्वेश्चन मैंने उनको प्रोवाइड कराया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस सेक्शन से, तो 1000 प्लस यहाँ पर उनको प्रोवाइड कराया है सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन हो गए, ताकि उनको वहां से भी कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मिसलेनियस, इनके थ्योरी नोट्स उनको प्रोवाइड करवा दिया है, ताकि थ्योरी भी जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, अब जरूरी तो नहीं है कि इसमें से ही क्वेश्चन आ सकता है, तो थ्योरी जो है मतलब कि उनको अगर पता रहेगा तो थोड़ा सा वहां से भी कर सकते हैं। मान के चलिए कि अगर इसमें से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहां से भी 10 क्वेश्चन आने की संभावना है, मेरा ये कहने का मतलब है। तो आपको जो है यहां से पूरा थ्योरी नोट्स करवा दे रहे हैं, जितने भी आप मोटा मुख देखते हैं 500 और 600 पेज का, वो उतना इरेलीवेंट है, तो इसमें से जितना रेलिवेंट चीज है वो यहां पे मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। साथ में आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी के करंट अफेयर्स में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। उसके बाद आने वाले समय में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का करंट अफेयर्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और इसका प्राइस जो है वो 300 है। ठीक है, अब देखिए जो मस्ट डू 1000 प्लस क्यूज है वो आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैं उनको पूरा इतना क्वेश्चन जो है पूरा एकदम अच्छे से प्रोवाइड कर, सब लेटेस्ट पैटर्न है, जो हाल फिलहाल में 1-2 साल में एग्जाम हुआ वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके मौजूद हैं। ठीक है, जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मौजूद है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है, मार्क्स एकदम अच्छा आएगा आपका। साइंस सेक्शन में मैंने फिर देखिए यहाँ पर हर चीज, यहाँ पर साइंस सेक्शन में ये सारे चीज मटेरियल अच्छे से प्रोवाइड करा दिया है थ्योरी नोट्स के साथ, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, समझे। तो ये सब आपने देखा साइंस सेक्शन। ठीक है, तो देखिए एक बात आपको मैं बता दूं कि मुझे इन सब चीज का एसएससी के एग्जाम का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, नहीं पूछता है, क्या स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो इतना तो विश्वास करके आपको चलना होगा मेरे ऊपर। ठीक है, और मैं आपको जैसा कि बताया कि आपके विश्वास को मैं तोड़ नहीं सकता हूं। ठीक है, क्योंकि आप सोचिए कि ये इतना मेहनत सिर्फ क्या पैसे के लिए हो रहा है, नहीं, ये सब पैसा तो चलिए छोटा मोटा चीज है, जो मैं वर्क किया उसका पैसा का, मेहनत का वो पैसा है। ठीक है, लेकिन सोचिए कि इस मटेरियल की मदद से अगर आपका एसएससी सीजीएल में रिजल्ट आता है और आप तब अगर किसी को बोलते हैं कि आपने मेरे मटेरियल को पढ़ा, या आपको मेरे मटेरियल ने थोड़ा सा भी अगर 0.0% पे अगर हेल्प करता है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होने जा रहा है, ऐसा आप इतना मैं 100% श्योर हूं कि एटलीस्ट आपके रिजल्ट में इस मटेरियल का 50-70% तक हेल्प होने जा रहा है, और अगर तब आप ये चीज बोलते हैं तो इससे मेरा इमेज जो है वो बढ़ेगा, लोगों पे ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों का। ठीक है, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, जैसा मेरा एक सोचना था कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 500 स्टूडेंट्स को मैं इतना मेहनत करके उनका रिजल्ट दिलवाऊंगा, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, इनकी दुआएं मुझे लगेंगी।
ये चीज देखिए, तो आगे का आदमी सोचता है, ठीक है, प्रेजेंट का नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए, और ये मटेरियल ज्यादा बेनिफिट्स उन लोगों को करेगा जो लोग इस वक्त जॉब कर रहे हैं, उनके पास समय की बहुत कमी है, ठीक है, उन तो वो ये चीज को आराम से एक बार परचेज कर लिए और इसी चीज पे अगर फोकस किए 3 महीना, तो आराम से उनका स्कोर जो है बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि वो रेलिवेंट चीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। साथ में उन भाइयों का रिजल्ट वो भाइयों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे पढ़े, उनके लिए, उन भाइयों लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब कि इस वक्त नोट नहीं बनाए हुए हैं, उनके पास प्रॉपर रिवीजन का तरीका नहीं है, सब कुछ नहीं है, सबकी चीज हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ये मटेरियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, इस चीज पे बहुत डे एंड नाइट का वर्क है, इस चीज को लेकर अपना रिजल्ट लाइए और जल्द से जल्द अपना मार्क्स मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है मैं और लोगों को बता सकूं और दिखा सकूं, ठीक है। तो आपको सिंपली से मैं बता दूं कि देखिए, इस मटेरियल को लेने का प्रोसेस यही है कि आप जो है roshanmuz6@gmail.com roshanmuz6@gmail.com पे आपको मैसेज करना है, ठीक है, पेमेंट करके, यानी पेमेंट करना है आपको गूगल पे से, जो गूगल पे का नंबर है 9304772103, पेटीएम का नंबर है 9304772103, फोन पे का नंबर है 7667626395। पेमेंट आप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे मेल कर दीजिए कि हाँ मैंने पेमेंट कर दिया है, और उसके बाद विद इन 30 मिनट से लेकर 1 आवर के बीच में, अगर मैं बिजी नहीं रहा तो ही मेरा लेट होता है 2 घंटा या 3 घंटा, लेकिन 30 मिनट के अंदर में मैं उन लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो लोग ये मटेरियल ऑलरेडी ले चुके हैं, देखिए आप इन सारे मटेरियल में से जितने भी मटेरियल आपके पास अभी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था जिस वक्त, क्योंकि जो लोग मटेरियल लिए थे और उन और वो सारे कंटेंट उनको अभी नहीं मिले हैं, जैसे कि कुछ अपडेट हुए हैं, जैसे कि 1000+ क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन हो गए, मैथ से कुछ क्वेश्चन अपडेट हुए हैं, तो वो सारे लोग मुझे मेल करें स्क्रीनशॉट के साथ, उनको वो सारे मटेरियल मैं अभी देने दे दूंगा, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं कि फिर आपको मैं मार्च के लास्ट में जो है, अब इसके बाद जो लोग लेंगे उसके बाद फिर मैं अपडेट करूंगा कुछ और 500 क्वेश्चन के लिए, मैथ्स के क्वेश्चन, कॉमन एयर के क्वेश्चन, इंग्लिश के और जीके के कुछ और क्विज के क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए आपको तैयार रहना है, 10 घंटे का मेहनत है, ठीक है, 4 से 5 घंटा आपको इस मटेरियल पे देना है, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, और प्रिपरेशन करिए, और रिजल्ट लाना है, सोच बदलो मार्क्स बदलेगा।